यूकी पीएससी ने हाल ही में 107 पोस्ट पर लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज करी थी, जिसका अब परीक्षा कैलेंडर प्लस एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप अभी से ही इसका एडमिट कार्ड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट खबर जानते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, आपकी कितने केंद्रों पर ये परीक्षा होने वाली है, एडमिट कार्ड कब तक आउट किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। एडमिट कार्ड के रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको UKPSC की वेबसाइट पर जाना है, और इस प्रकार का psc.uk.gov.in ये साइट है। इस प्रकार से नीचे की ओर आएंगे तो आपको नीचे जो है स्क्रॉल करना है, और सेकंड नंबर में आपको लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन ग्रुप सी लेवल की जो पोस्ट है उस पर क्लिक कर देना है जी। उसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखता है यहाँ पे लैब असिस्टेंट का, तो व्यू पर जाएं और यहाँ पर PDF वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर रखा है, तो डाउनलोड अगेन दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस यहाँ पर जानकारी क्या लिखी है, तो जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक ग्रुप डी की गौ के पदों पर ये 107 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो इसका जो एग्ज़ाम है ना दोस्तों, वो आप ध्यान दें कि 27 से लेकर 29 अप्रैल एवं 7 से लेकर 8 जो है मई तक होने वाला है, और ये 13 केंद्रों पर होगा और 184 परीक्षा केंद्र आपके रहने वाले हैं। और इसका जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र आप आउट करोगे तो 15 अप्रैल यानी आज से आप psc.uk की साइट पर जा सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे ही यदि आपको एडमिट कार्ड आउट करना है तो आप डाउनलोड लिंक पर जाएं, जस्ट कि नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर जाएंगे तो इस प्रकार का जो है विंडो खुल के सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड ऑफ लैब असिस्टेंट, इस वाले पर अप्लाई क्लिक हियर पर जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर लोडिंग होते हुए आपको दिखेगा, और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका एडमिट कार्ड कैसे होगा, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, और उसके बाद पासपोर्ट जो बना रखा है पासपोर्ट डाल के कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ईमेल आईडी के थ्रू भी कह सकते हैं, और लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर से भी हो जाता है, साथ ही लॉगिन विद डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मेन है इसके, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपका सही रहता है। नेम डालो, फादर नेम डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दे रखा है उस पर क्लिक कर दें, और उसके बाद डायरेक्टली आपका जो है एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह यह होती आज की जानकारी, नेक्स्ट जानकारी के लिए आप जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।